Hey guys, welcome back to another very useful video on my channel. अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरा नाम है सोनी और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने सिल्की स्मूथ एंड लॉन्गर हेयर्स का सीक्रेट। तो बेसिकली मैं होम रेमेडीज पे बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ और बहुत ज्यादा यूज भी करती हूँ अपने हेयर्स को लॉन्गर एंड थिकर बनाने के लिए। और आज भी मैं एक मैजिकल रेमेडी आप लोगों से शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैं अपने बालों को डिटेंगल करूंगी, फर्स्टली फिंगर्स की हेल्प से एंड फिर मैं कॉम्ब की हेल्प से भी डिटेंगल करूंगी। मेक श्योर आपके बालों में कोई भी टैंगल्स ना रहे, अच्छे से डिटेंगल कर लेंगे। फर्स्टली हमें व्हाइट राइस चाहिए जिसे मैंने ओवरनाइट सोक करके रखा हुआ था। राइस वाटर में होता है अमीनो एसिड जो हेल्प करता है न्यू हेयर ग्रोथ में एंड इसमें विटामिन बी सी एंड ई होता है जो प्रमोट करता है हमारी हेयर ग्रोथ को। बेनिफिट्स भी देख लेते हैं, डिटेंगल द हेयर्स, इंक्रीज शाइन, मेक्स हेयर स्ट्रॉन्गर, हेल्प हेयर ग्रो लॉन्ग। एंड उसके बाद चाहिए हमें बनाना एंड एक कटोरी दही। बनाना बहुत अच्छे नरिशिंग एंड डीपली कंडीशन का काम करता है हमारे हेयर्स में। बनाना का जो एक्सट्रैक्ट होता है वो बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होता है। इसके बेनिफिट्स भी देख लेते हैं, हेल्प्स न्यू हेयर ग्रोथ, हेल्प्स इन अचीविंग थिकर एंड लॉन्गर हेयर, रिड्यूस स्प्लिट एंड्स एंड मेंटेन नेचुरल इलास्टिसिटी। एंड कर्ड के भी बेनिफिट्स देख लेते हैं, कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड जो हमारे स्कैल्प को अच्छे से क्लीन करता है एंड इसमें बायोटिन विटामिन भी होता है एंड जिंक भी होता है जो हमारे हेयर को स्ट्रेट रखता है। एंड इसके बेनिफिट्स भी देख लेते हैं, प्रमोट हेयर हेल्दी ग्रोथ, गेट रिड ऑफ डेड स्किन सेल्स, ग्रेट बूस्टर ऑफ हेयर ग्रोथ एंड ऑल्सो लीड टू मिनिमल हेयर फॉल। इसके बाद हमें चाहिए एक स्प्रे बॉटल, जो राइस ओवरनाइट हमने भिगो कर रखे थे उसका पानी हमें स्प्रे बॉटल में शिफ्ट करेंगे एंड ऐसा करने से जो हमारा एप्लीकेशन है वो बहुत ही इजी हो जाएगा एंड सेकेंडली वेस्ट भी कुछ भी नहीं होगा एंड बहुत अच्छे से हेयर्स के रूट पर भी काम करेगा। तो स्प्रे बॉटल की हेल्प से हमें राइस वाटर रूट से लेकर एंड तक अच्छे से लगाना है एंड सारे बालों को अच्छे से गीला कर लेना विद राइस वाटर। और इसके बाद जो हल्के फुल्के टैंगल्स आ गए हैं वो भी हमें रिमूव कर लेना है। नाउ बनाना के स्लाइस कट कर लेंगे, उसमें एक कटोरी दही ऐड करेंगे एंड एक कटोरी चावल जो हमने होल नाइट भिगो कर रखा था उसे ऐड करेंगे। गाइज मेरी हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग ये काफी रहेगा, आप अपनी हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग इस पेस्ट को कम या ज्यादा कर सकते हैं, राइस को कम या ज्यादा कर सकते हैं एंड इसका फाइन सा पेस्ट बना लेंगे एंड स्टार्ट करेंगे अपने हेयर्स में लगाना। जैसे हम ऑयल लगाते हैं वैसे ही छोटे छोटे सेक्शंस करके अपने हेयर्स में इस पेस्ट को अप्लाई करेंगे, पूरे स्कैल्प में लगाएंगे एंड रूट्स से लेकर एंड तक अच्छे से अप्लाई करेंगे। इस पेस्ट से हमारे हेयर्स में नेचुरल शाइन आएगी, ग्रोथ को प्रमोट करेगा एंड रूट्स स्ट्रोंग होंगे, रूट्स को अच्छा न्यूट्रिशन भी मिलेगा एंड इसको अच्छे से अप्लाई करने के बाद 2 आवर के लिए छोड़ देंगे। ध्यान रहे बस 2 आवर ही छोड़ेंगे, इसको अगर हम ओवरनाइट छोड़ेंगे तो इससे बैक्टीरियल ग्रोथ के चांसेस ज्यादा होंगे जो हमारे स्कैल्प से हमारे रूट्स में चले जाएंगे। टू आवर के बाद आपको हेयर वॉश कर लेना है माइल्ड शैम्पू से एंड कंडीशनर को 1 टाइम के लिए स्किप कर देंगे। आप खुद फील करोगे अपने हेयर्स को टच कर, इससे बहुत ही ज्यादा नेचुरल शाइन आती है एंड बहुत ही ज्यादा सिल्की स्मूथ हेयर हो जाते हैं। नाउ मैं सीरम अप्लाई करूंगी अपने हेयर्स में क्योंकि सीरम से बहुत जल्दी बाल डिटेंगल हो जाते हैं। ये मैट्रिक्स का सीरम मैं अप्लाई कर रही हूँ। अगर आप बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं, आपके हेयर्स ग्रोथ रुकी हुई है, बालों का टेक्सचर भी खराब है, वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है, तो ऑल इन वन रेमेडी है ये DIY हेयर मास्क आपके स्कैल्प पर वर्क करेगा जिससे आपके रूट्स मजबूत होंगी एंड जब रूट स्ट्रोंग होंगे तो हेयर्स ऑटोमेटिकली स्ट्रोंग हो जाएंगे। इस रेमेडी से स्कैल्प क्लीन होगा जिससे न्यूट्रिशन आपके रूट्स तक जाएगा
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।